बड़ी मेहरबानी। देखें बलूचिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से इस हवाले से जो वाक़यात हुए हैं 25 और 26 के दरमियान मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नज़र आ जाता है। मूसा खेल में जो वाक़यात हुए, मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात ने बलूचिस्तान का जो जमहूरी सियासी चेहरा था और जो इंसानियत पसंदी अमन दोस्ती का जो चेहरा था उसको मसख कर दिया। चूँकि इस तरह के वाक़यात काबिले मज़म्मत होते हैं और किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं होते, तो ऐसे वाक़यात से बड़े मनफी असरात पड़ते हैं और ये मनफी असरात ज़ाहिर है तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ दूसरे कौमें मुतासर होती हैं वहाँ इसका नेगेटिव मैसेज जाना शुरू हो जाता है। और हमें अफसोस होता है कि हमारी मीडिया, हमारी सोशल मीडिया में लोग और हमारे बड़े बड़े दानिश्वर लोग, सियासी पार्टियों के लोग भी इसी तरह इन मामलात को देखते हैं। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि ऐसे वाक़यात पे हमें बड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वाक़यतन इसके पीछे क्या सोच है, क्यों इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कौमों को लड़ाते हैं। जहाँ तक मैं बलोच को जानता हूँ, जहाँ तक मैं बलोच की नफ्सियात को जानता हूँ, जहाँ तक मैं बलोच की सियासत को जानता हूँ, इंसानियत दोस्ती को जानता हूँ, तो वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर गरीब के सामने किसी ने हाथ उठाया उस पर, वो कहते हैं ये बलोच नहीं है। ख्वातीन पे नज़र गलत लगाई तो कहते हैं ये बलोच नहीं है। किसी की इज्जत नहीं की, कहते हैं बलोच नहीं है। बलोच के अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसको हम बलोच कहते हैं। यहाँ तो हमें बलूची कहा जाता है लेकिन हम जिसे बलोच कहते हैं उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी वो हर चीज़ में गैरत, जुर्रत, इंसाफ, रास्तगोई, ये सारे उसमें आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल नफ़रत है और इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि ये किसने किया और ये क्यों किया गया। वाकईतन जिन पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही लोग हैं, हमारा जिन पे इल्ज़ाम है, जिनको हम मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वाकया वही है, क्या उन्होंने कोई ऐसी कबूलियत की है, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त आग लगी है, ये आग जनरल मुशर्रफ ने लगाई। बलूचिस्तान में ये आग जनरल मुशर्रफ ने लगाई और वो आग अब तक लगी हुई है और उसमें लोग जल रहे हैं। उसमें बलूचिस्तान के नौजवान जल रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान का कारोबार तबाह है, उसमें बलूचिस्तान के आम लोग जल रहे हैं, उसमें हम नामान नहीं है, वो सारा सूरत हाल गंभीर हो गया है और सियासत को भी उसने अपनी नज़र की है। तो इस सूरत हाल में देखिए हमें हमारी बड़ी वाजे और क्लियर मौकिफ है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हम नहीं समझते हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एपीएस के वाक़े के बाद जो एक साथ बैठे इस्लामाबाद में, जिसमें पीटीआई था, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, बीएनपी, सारी पार्टियां थी और आपकी सेवल और मिलिट्री जो है ब्यूरोक्रेसी थी पूरी, यानी पूरी पाकिस्तान की जो ताकत है वो एक साथ थी और उन्होंने एक वाज़े फैसला किया। वो वाज़े फैसला उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया, वो किसी आम फैसला नहीं था। उसमें ठीक है बाज़ इलाकों में उन्होंने ऑपरेशन की बात की लेकिन बलूचिस्तान में एक वाज़े पैगाम उन्होंने दिया कि बलूचिस्तान में डायलॉग किया जाएगा, बलूचिस्तान में बातचीत की जाएगी, बलूचिस्तान के जो लोग इस वक्त मुज़ाहमत कर रहे हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। वो बात कहाँ तक गई आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि उस दौरान बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। ये
बात आगे बढ़ाई गई, लेकिन फिर अचानक इस बात को जिस तरह जैसे ही डॉक्टर मालिक की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये बात वहीं पे रुक गई। इसके बाद जो कुछ हुआ, इसके बाद एक नई पॉलिसी आई, फिर वही पुरानी पॉलिसी आई, बातचीत का रास्ता रोका गया। और न सिर्फ बातचीत का रास्ता रोका गया, बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई उसने इन मामलात को और पेचीदा बना दिया। अब तो सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई हम पर, हम जो जमहूरियत की बात करते हैं ना, हम जो जमहूरी सियासत की बात करते हैं, कोई हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। कोई हमारे इदारों को, हमारे इंतखाबी अमल पे, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के लोग इस पे बावर करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि आप लोग इतनी नाराबाजी करते हो, इलेक्शन हो जाता है उसका नतीजा कुछ और हो जाता है, इलेक्शन में ठप्पे मारे जाते हैं, वोट दूसरों को पड़ते हैं, कामयाब दूसरे होते हैं। और वाकईतन ये हुआ है, 2018 और 2024 के इंतखाबात ने बलूचिस्तान की सूरतेहाल को और ज़्यादा संगीन बना दिया है, और ज़्यादा संगीन बना दिया है। अब हम पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरान अगर ये सोचते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान अगर ये सोचते हैं कि बलूचिस्तान को ताकत के ज़रिए ठीक किया जाएगा, अगर वो सोचते हैं कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन से मामला हल किए जाएंगे ना, तो मैं एक बात आपको बड़ी वाजे कहता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, कि आज हम यहाँ आए ना, कल अगर आप ऑपरेशन करेंगे, बलूचिस्तान का एक भी सियासी पार्टी आपके साथ नहीं बैठेगा, एक भी सियासी पार्टी आपके साथ नहीं बैठेगा। क्योंकि ये गलतियाँ तो आप लोग कर रहे हो, बलूचिस्तान को यहाँ तक जो आपने पहुँचा दिया है, तो 18 साल से तो ऑपरेशन हो रहा है, और क्या ऑपरेशन करोगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पे मुज़ाकराती हमल है। जब हम बात करते हैं, मुज़ाकरात करें तो हमें कहा जाता है किससे करें, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये बात सही है, आपसे बात करने को कोई क्यों तैयार नहीं है? इसलिए तैयार नहीं है कि आप पर एतमाद उठ चुका है ना, आप एतमाद बहाल करें, आप क्रेडिबल लोगों की कमेटी बनाएं, आप बाख्तियार पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी बनाएं। बने हैं कमेटियां, बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, आप जैसे लोगों ने कमेटियां बनाई हैं और उनकी रिपोर्टें भी बनाई हैं, लेकिन फिर उन रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। ये तजुर्बात है ना, जब आपके तजुर्बात बार बार गलत हों तो लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे, तो लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे। आपने सियासी इंजीनियरिंग करके इस पूरी इमारत को जो है गिरा दिया है, लोग आप पर, हम पर और आप पर एतमाद नहीं करते। और ये जो ऑपरेशन की बात है ना, ये हकीकत में इसको दोबारा कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन का सोचे नहीं। अगर आप सोचते हो ऑपरेशन, तो आप बलूचिस्तान के तमाम जमहूरी पार्टियां इस वक्त आपके साथ बैठे ना, एक भी आपके साथ नहीं बैठेगा। सबसे पहले मैं हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये मैं आपको दूसरी बात, सर एक मिनट दे, मेरी एक, मुझे मैं देता हूँ, मैं नफी साहब देता हूँ, आप मुझे एक एक मिनट और, मैं जमाली साहब एक मिनट और दे, मैं अपनी तजावीज दूर, मैं अपनी तजवीज नहीं, दो सूरतें हैं, मैं अपनी, अगर जमाली साहब मेरी बात सुन लें, अगर सर अगर तकारीर जारी रखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बट मिनिस्टर साहब हैज टू गो। अगर आप मिनिस्टर साहब को मौका दे देते हैं, मेरा मुझे एक मिनट दे, मैं अपना वाइंड अप कर, अब बहुत हो गया, आप 9 मिनट बोल चुके हैं, काफी हो गया, एक मिनट जी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिए इस पे। सर वो जारी रहेगी, वो जारी रहेगी, मैं तजवीज दे देता सर। चेयरमैन साहब तजवीज़, एक तजवीज़ ये है, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी अर्ज़ सुन लें सर। आपने खुद हुकूमतें चलाई हैं, जो हालात बने हुए हैं, एक प्री अरेंज मीटिंग 12:30 की है, उसमें इन्होंने अभी जाके सारी ब्रीफिंग देनी है पार्टिसिपेंट्स को पहले। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ,
परसों ये खुद आ जाएंगे, मेरी अर्ज सुन ले, अर्ज सुन ले, परसों ये फिर आ जाएंगे, परसों आएंगे कंक्लूड होने।